जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल चार्जर चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर दिन आपको टेक डोज मिलती रहे। हेलो टेक चार्जर्स, तो इस हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आज भी हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूँ अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से जो कि क्वालकॉम से आ रही है। 765 स्नैपड्रैगन चिपसेट दोस्तों थोड़ा पुराना होने जा रहा है क्योंकि इसका नया सक्सेसर वर्जन स्नैपड्रैगन 775 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ की स्पेक्स हो गए हैं लीक जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 5 nm यानी कि 5 nm प्रोसेस पर इस चिपसेट को डिजाइन किया जाएगा जो कि UFS 3.1 सपोर्ट के साथ में आएगा। साथ में 28 मेगापिक्सल के 3 सेंसर्स को भी फोन में एक साथ यूज किया जा सकेगा। 5G कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी इस फोन के अंदर। अब दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले इस चिपसेट पर बेस्ड कौन सा फोन मार्केट में आता है और जब आता है तो दोस्तों कैसा रिस्पॉन्स यूजर्स का उसे मिलता है। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी से। नर्जो 20 सीरीज पर कंपनी ने अपनी एंड्रॉइड 11 बेस्ड स्किन रियलमी UI 2.0 का अपडेट, वो भी स्टेबल वर्जन दोस्तों, रिलीज करना शुरू कर दिया है। वैसे फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन्स पर तो दिसंबर में ही कंपनी ने ये स्टेबल वर्जन दे दिया था, लेकिन अभी फिलहाल आपको नर्जो में भी मिल जाएगा, जैसे कि डार्क मोड है, कुछ यूनिक स्टाइल्स हैं, स्किन है, वॉलपेपर, बहुत कुछ आपको नए फीचर्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप अपने स्मार्टफोन पर अपडेट चेक करके इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप भी इसका आनंद उठा सके। इसका अगला अपडेट है BSNL से। छोटा सा शॉर्ट टर्म डेटा प्लान कंपनी ने एक लॉन्च किया है, ₹56 जिसकी प्राइस है। 10 दिन की वैलिडिटी के साथ में आएगा। 10 GB इसमें हाई स्पीड डेटा आपको मिलेगा। कॉलिंग SMS बेनिफिट नहीं है, लेकिन दोस्तों हाँ, डेटा अगर आपको चाहिए BSNL नंबर पे तो ये प्लान आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस प्लान के साथ में आपको अगर कॉलिंग वगैरह का बेनिफिट लेना है कोई दूसरा प्लान आपको यूज करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों BSNL कोशिश तो काफी कर रहा है कस्टमर्स के बीच में बेहतर प्लान लाने की, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई जो कि घर में बड़ा भी है लेकिन उसकी इज्जत इस समय कोई नहीं। कोई जमाना था जब सिम लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अभी BSNL वालों को अपना कनेक्शन बेचने के लिए दोस्तों लाइन लगानी पड़ रही है। देखते हैं दोस्तों आने वाला फ्यूचर BSNL के लिए कैसा साबित होता है। इसके बाद अगला अपडेट है मॉनस्टर हंटर राइज गेम के बारे में। 26 मार्च को कंपनी इसे ग्लोबली लॉन्च करने जा रही है और ठीक उसके एक हफ्ते बाद 1 अप्रैल 2021 को इंडिया में भी ये लॉन्च हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने लॉन्च से पहले इसकी प्री बुकिंग अलग अलग रीजंस में शुरू कर दी है। इंडिया में इसको जिम्मेदारी दी है MQ गेम्स के लिए। ₹4,999 इसके प्राइस रखे हैं प्री बुकिंग के लिए। आपको ये गेम खेलने की सहूलत मिलेगी निंटेंडो स्विच पर। वैसे दोस्तों अगर आप इस गेम में इंटरेस्टेड हैं तो प्री बुकिंग करा सकते हैं, आसानी से इस समय हो जाएगी। इसके बाद अगला अपडेट है ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों फोन लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है, तो धीरे धीरे करके इसके स्पेक्स भी रोजाना कुछ ना कुछ नए आ ही जाते हैं। आज इसकी डिस्प्ले के बारे में और भी ज्यादा जानकारी सामने आ चुकी है। डिस्प्ले आपको मिलेगी इसमें सैमसंग की AMOLED जो कि LTPO डिस्प्ले होगी और इसमें आप अपने मर्जी से दोस्तों रिफ्रेश रेट को एडजस्ट कर सकेंगे बहुत ही लो से लेके हाई तक। 5 Hz से लेके आप 120 Hz तक के रिफ्रेश रेट को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकेंगे ताकि आपके फोन की बैटरी परफॉर्मेंस भी आपके हिसाब से दोस्तों एडजस्ट हो सके। यहां पर दोस्तों कमाल की बात यह है कि आपको डिस्प्ले जरूर यहां पर कंपनी देने जा रही है, वो जो कि आपको एप्पल के आईफोन 12 में मिली थी और या फिर सैमसंग के S21 में। तो यहां पर डिस्प्ले को लेकर दोस्तों बहुत कुछ आप समझ सकते हैं कि ओप्पो इसमें देने जा रहा है। बाकी दोस्तों लॉन्च के बाद और भी बहुत कुछ सामने आएगा। अगला अपडेट आ रहा है रियलमी 8 स्मार्टफोन के बारे में। कंपनी ऑलरेडी इसके कैमरे को लेकर दोस्तों मार्केट में हवा बना चुकी है। 108 मेगापिक्सल का सैमसंग आईसो सेल सेंसर आपको मिलने वाला है, लेकिन यहां पर दोस्तों फोन एक बार US FCC सर्टिफिकेशन पर स्पॉट किया जा चुका है। 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, ये कंफर्म हो गया है 65 W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। अब दोस्तों फोन की लॉन्च डेट अनाउंस होना बस बाकी है, बाकी तो बहुत कुछ हम अलग अलग सर्टिफिकेशन से देख चुके हैं फोन के बारे में। फिलहाल देखते हैं दोस्तों एग्जैक्ट फोन कब तक मार्केट में आता है और इंडिया में क्या साथ में ही फोन लॉन्च करेगी कंपनी ग्लोबल लॉन्च के साथ में या फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगला अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप से। दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होने के बाद यूजर्स में लगातार कमी आई, लोगों ने दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच किया, लेकिन कंपनी ने अपनी हार नहीं मानी, लगातार कोशिश की कि लोगों को अवेयर ज्यादा किया जा सके कि प्राइवेसी पॉलिसी में जो खामियां हैं वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग तो दोस्तों अपना सहूलत और अपना फायदा देखते हैं। फिलहाल कंपनी ने एक बार फिर से अनाउंस कर दिया है 15 मई तक अगर आपने जो इसके प्राइवेसी पॉलिसी है टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका अकाउंट जैसा कि बताया गया है कि कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिए जाएंगे कुछ फीचर्स, उसके बाद और भी ज्यादा एक्शन लिया जाएगा और लास्ट में जाके अकाउंट डिलीट ही हो जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, कंपनी बार बार उस चीज को अनाउंस कर रही है, और नहीं चाहते हैं तो बस
छोड़िए, फिर देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या निकल के आता है। और इन तमाम खबरों के बाद आज की आखिरी खबर है एप्पल डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों 2022 में जो भी कंपनी अपने आईपैड या फिर मैकबुक के मॉडल लेके आएगी उन सब में ओएलईडी डिस्प्ले पैनल देने जा रही है। वैसे अभी तक तो एप्पल लगातार एलसीडी पैनल्स को ही यूज कर रही है क्योंकि ये सस्ते भी पड़ते हैं ओएलईडी के मुकाबले में, क्योंकि इनकी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन फिर भी कंपनी अब स्विच करने जा रही है और इस पर काम भी करना कंपनी ने शुरू कर दिया है। देखते हैं दोस्तों सबसे पहला जो आईपैड या फिर मैकबुक आता है उसकी प्राइस पहले जो अभी चल रहे हैं मॉडल्स उनके मुकाबले में कितनी बढ़ती है और क्या उसका असर देखने को मिलता है। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों हाँ बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ अपने चैनल पर, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े दी मेरे साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद।